हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 13th December 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया में आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 4.28% का यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 57.20 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो है पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउनसाइड आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो उसको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और उसको किस तरह से जो आपको अपने ट्रेडिंग के टाइम पे यूज करना है जरूर आपको यहाँ पे समझाएंगे। बाकी यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस में हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे और आने वाले दिनों का जो आपको एक छोटा सा हिंट भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे बैंक ऑफ इंडिया के वन डे के चार्ट पे। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्राइडे के वॉल्यूम की तो वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज से थोड़ा ज्यादा यहाँ पे मैं कहूंगा एक तरह से हमें वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कैंडल की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियम साइज से थोड़ी ऊपर यहाँ पे जो कैंडल हमें देखते हुए मिल रही है। जरूर 20 MA के ऊपर जो है ये कैंडल जो है क्लोज हुई है लेकिन करंटली 20 MA जो है नीचे घूम रहा है 50 MA के मतलब 50 MA अपसाइड में है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है आपको नेगेटिव जो है यहाँ पे ट्रेंड वो ऐसा लग रहा है बरकरार रहने वाला है। बात करें अगर हम RSI की RSI 50 पे आज जो है आ चुका है जो हमें न्यूट्रल मतलब दोनों साइड का इशारा देता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड का इशारा देता है। इसकी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ RSI हो या फिर और इंडिकेटर हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देता है हमें जो है उससे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए तो करंटली अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे चार्ट को देखते हुए तो यहाँ पे स्टॉक जो है करंटली ट्रेंड जो है अभी भी स्टॉक का नेगेटिव ही है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कोई पॉजिटिव जो है मूवमेंट अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे परमानेंट कोई पॉजिटिव मूवमेंट नहीं देखने मिल रहा। लेकिन एक बात मैं आपको कह देता हूँ यहाँ पे आपको एक टेम्पररी पॉजिटिव मूवमेंट आपको देखने मिल सकती है। यहाँ पे कहाँ तक देखने मिल सकती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 62 के लेवल तक आपको जो है इस स्टॉक में आने वाले दिनों में थोड़ा सा जो है एक टेम्पररी यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट जो देखने मिल सकती है जो यहाँ पे क्रॉस करते हुए जाते हुए आपको देखने मिल सकते हैं। लेकिन वापस से दोबारा फिर नीचे आ सकती है 56-55 पे जो है रिटर्न आपको आते हुए देखने मिल सकती है। अगर आपको थोड़ा सा जो शॉर्ट टर्म के लिए गेन करना है तो जरूर जो आप यहाँ पे एंट्री लेते हुए 62 का अपना यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं। उसके ऊपर भी थोड़ा सा जा सकता है लेकिन मैं कहूँगा 62 एक बढ़िया यहाँ पे लेवल हो जाएगा टारगेट के लिए क्योंकि उसके बाद यहाँ पे वापस से आपको नीचे जाते हुए देखने मिल सकता है क्योंकि वहां पे थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस जोन एरिया है जो यहाँ पे आपका जो है वो रेजिस्टेंस जोन एरिया जो है आपको पुल बैक देगा जो यहाँ पे आपको स्टॉक जो है नीचे वापस से कर देगा। बाकी यहाँ पे आने वाले दिनों के लिए हमारा जो ट्रेंड जो है यहाँ पे फिलहाल जो है नेगेटिव का है। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में क्या हो सकता है आने वाले दिनों में हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोज मतलब 4 स्टॉक से जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और वहां पे बात करते हैं इस स्टॉक में मंडे के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंडे के लिए यहाँ पे इस स्टॉक में यहाँ पे हमने हमारा जो है चार्ट ओपन करके रख दिया है 1 आवर का और यहाँ पे फिलहाल मैं आपको सबसे पहले तो सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन को जो यहाँ पे मार्क करके बता देना। याद रखे ये जो सारे के सारे जो हम सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस को जो मार्क कर रहे हैं ये सारे के सारे जो है हम आप सभी के सामने करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि हम जो है आप सभी के पीछे करते हैं। यहाँ पे वीडियो के पहले हम कुछ भी नहीं करते सारे का सारे मार्किंग्स जो है हम आपको वीडियो के टाइम पे ही आपको जो है सामने ही करके बताते हैं और फिर ये जो सारी की सारी मार्किंग्स है वो ऑटो सेव हो जाती है ताकि यहाँ पे जो है नेक्स्ट टाइम हम आए तो ये मार्किंग्स जो है वो ऑलरेडी रहे। इसकी वजह से कहीं आपने हमारे जो है पुराने वीडियोस में देखा होगा कि ऑलरेडी मार्किंग्स जो है हमारी होती है तो ये ऐसा नहीं है कि मार्किंग्स जो है हम आपका वीडियो के पहले रखते हैं ये हमारे पुराने वीडियोस की ही मार्किंग होती है। तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो सेम टू सेम मार्किंग कर सकते हैं क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी अपना
सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस को जो है यहाँ पे हेल्प करेगी आपका टारगेट और स्टॉप लॉस को मेंटेन करने में। तो यहाँ पे मार्किंग सब हमारी सारी की सारी हो गई है। अब बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 57.20 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है यहाँ पे हमारा 56.85 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 57.70 का यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन जो है वो आता है। तो याद रखे डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर यहाँ पे आपको कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो अपना यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लेनी है। और फिर चाहे सपोर्ट जोन साइड हो या फिर रेजिस्टेंस जोन साइड हो आपको जो है अपना टारगेट जो हमेशा थोड़ा उससे पहले रखना है ताकि वो इजीली अचीव हो जाए। बाकी यहाँ पे हमने हमारे पुराने वीडियोस में कॉन्सेप्ट आपको किस तरह से पूरा का पूरा देखना है हमारे पुराने स्टॉक के वीडियोस में आपको बताया है, जहाँ पे आपको कंफर्मेशन कैंडल किस तरह से देखनी है, किस तरह से यहाँ पे आपको जो है अपना टारगेट डिसाइड करना है, डिफरेंस आपको रखना क्यों है और कैसे रखना है, और साथ ही साथ चाहे हमारा स्टॉक मार्केट जो है नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको बताया है। तो यहाँ पे आप जो है जरूर कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पहले क्लियर कर ले, हमारा कोई भी स्टॉक का पुराना वीडियो देख ले जो आपको 8 या 9 मिनट के ऊपर देखने मिल जाएगा, उसको आप देख लेंगे आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में जैसे ही आ गया कोई भी आप स्टॉक को उठा लेंगे और वहां पे आप जो है कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे तो वहां पे आप जो है जरूर प्रॉफिट करोगे। अब बात रही यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद दो सपोर्ट और डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद दो रेजिस्टेंस जोन की। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 56.30 का, उसके बाद का सपोर्ट आता है 55.50 का। तो यहाँ पे अब अगले रेजिस्टेंस जोन डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद अगला रेजिस्टेंस जोन आता है 58.40 का, उसके बाद का रेजिस्टेंस जोन आता है 58.95 का। तो यहाँ पे दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस जोन हमने बता दिए जो आपका मंडे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इवन मैंने थोड़ा और ज्यादा भी मार्किंग्स कर ली है ताकि अगर और नीचे गया या और ऊपर गया तो यहाँ पे आपके पास अच्छा खासा डेटा देखने मिले। अब बात रही यहाँ पे हमारे ओपिनियन की इस स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए, तो यहाँ पे मैं कह दूँ फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए मुझे इस स्टॉक में जरूर जो है यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन ऐसा लग रहा है देखने मिल सकता है। मतलब 56.30 से लेके 56.85 के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को क्लोजिंग आपको देखने मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे हम जो है जरूर कंफर्मेशन कैंडल को देखेंगे, कंफर्मेशन कैंडल हमें जो है नीचे साइड का इशारा दे रही है तो जरूर हम नीचे के लिए जाएंगे। लेकिन अगर हमें कंफर्मेशन कैंडल अपर साइड का इशारा दे रही है, पॉजिटिव का इशारा देते हैं, जरूर जो हम यहाँ पे पॉजिटिव की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए अपना जो है यहाँ पे ट्रेड लेंगे। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में क्या हो सकता है मंडे के दिन हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।